hey, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके नहीं आई। हम लोग कुंदरू तोड़ते हैं नींबू के पेड़ से, क्या करें। हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गरिमा एका व्लॉग्स में। तो आज हूँ मैं अपने घर पे यानी कि गांव में, और ये जितने मुर्गियाँ नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे हमारे घर के हैं। और हमारे घर की मुर्गियाँ जो हैं वो बिल्कुल दाल बराबर नहीं है, बिल्कुल मुर्गी बराबर है। क्या नाम है इसका? बरबट्टी। बरबट्टी? हाँ। कहाँ से मिला? सैमसन मुझे बोल रहा है कि मैं उसको फॉलो करूं। अरे बहुत सारी छोटी छोटी मिर्ची हैं। तो कहाँ? ओह इसको बोलते हैं बीन्स। पर तोड़ दिया। ये क्या है? लॉन्ग बीन्स। हाँ लॉन्ग बीन्स। चलो उधर भी है, चलो खूब सारा। ये देखो इधर भी बहुत सारे लॉन्ग बीन्स हैं। ले लूँ क्या? हाँ लॉन्ग बीन्स। और यहाँ पे तो हमारे सुअर लोग कुछ बोल रहे हैं, पिग्गी लोग कुछ बोलना चाहते हैं लगता है। हे मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके नहीं आई। तो तुम आई ही क्यों हो यहाँ पे हमसे मिलने के लिए देवी जी? बोलो जरा, अभी तुम सिर्फ हमारा थोबड़ा देखोगी, यहाँ पे तुम अभी 2-4 बरबट्टी तोड़ोगी, वेजिस तोड़ोगी, वो भी हमें तुम नहीं दोगी। तो अपना थोबड़ा उठाओ और निकलो यहाँ से, समझ में आया? निकल। तो मैंने हमारे सुअर लोगों को तो मैंने कुछ चारा नहीं दिया, पर मैं जो है बरबट्टी मैंने तोड़ लिए जितने हमें चाहिए थे, और हम चल पड़े घर की ओर। और हमारा सैमसन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसने लाइफ में पहली बार उसने जो है वो बरबट्टी तोड़ा था। इसने मम्मी पापा को, मतलब भैया भाभी को दिखाया, फिर अपनी दादी को यानी कि मेरी मम्मी जी को दिखाया। उसके बाद मिडियाना आ गई थी नहा करके वापस हमारे पास में, और सैमसन बहुत एक्साइटेड था अपने वॉच को लेकर के। तो वो अपने वॉच बार बार मेरे कैमरे के सामने में लेके आ रहा था। और मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे मशरूम, जिसे कि हमारे कुडुक लैंग्वेज में कहा जाता है ओसा। और ये जो है ये बड़ा ओसा है, यानी कि बड़ा मशरूम है। और इसको खुखड़ी भी बोला जाता है हमारे साइड पे, यानी कि जशपुर वाले साइड पे खुखड़ी बोला जाता है, ओसा बोला जाता है, और इसको आप सभी जानेंगे मशरूम के नाम से। तो ये बारिश के मौसम में पाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये निकलते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं, शायद इसलिए इसको बड़ा खुखड़ी या तो बड़ा ओसा कहा जाता है। इसके बाद अब बारी थी सैमसन के नहाने की। तो हम लोग वहाँ पे चारा डाल दिए थे मुर्गियों का, ताकि वो मुर्गी लोग उसके आसपास में आए और वो उनको देख कर के अपना जो है स्नान इंजॉय करें। और हमारे घर की मुर्गियों को कुछ ज़्यादा ही भूख लगता है, मतलब हम लोग उसको पता नहीं कितने बार हम लोगों ने उसको चारा दिया, शायद एक तरह से हो सकता है कि उसे आदत हो गए हो। ये लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही बागान में जाते थे, अपना चारा खाते थे और वापस आ जाते थे आंगन में खाने के लिए। और ऐसे ही करते करते हमारा हो गया शाम रात, और दूसरे दिन सुबह सुबह मम्मी ने ये साग तोड़ा। ये साग है कद्दू, शायद आप लोग जानते होंगे कद्दू, तो वही है जिसे हमारे लैंग्वेज में कोहड़ा कहा जाता है, यानी कि कुडुक लैंग्वेज में। हमारे लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो जाइएगा।
तो इसका साग हम लोगों ने तोड़ा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे परिवार में शायद हर किसी को ही ये अच्छा लगता है। और मेरे घर का ये है लौकी, जिसे मैं समझ रही थी कि ये खीरा है पर ये लौकी था। और ये है कुद्रुम, कुद्रुम रेड रेड होता है, रेड रेड फल होता है जो, और बहुत खट्टा होता है। और कुद्रुम की कुद्रुम को हमारे लैंग्वेज में यानी कि कुडुख लैंग्वेज में कहते हैं ठेपा। और ये जो फ्लावर दिख रहा है, शायद इसको चाय बना के पीते हैं, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। अगर किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो जो फ्लावर था बैगनी बैगनी सा, क्या उसको चाय बना के पीते हैं? मतलब मुझे कन्फ्यूज़न है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और यह है मेरी मम्मी जी, जिनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुरझाई हुई नज़र आ रही हैं। और हम वहाँ से साग लेकर के हम चले गए डियाना के साथ वापस घर की ओर। और ये हमारी छत से जो हमारा नज़ारा दिखता है गाँव का, वो मैं दिखा रही हूँ। मतलब ये मेरा सिर्फ मोहल्ला है, ये गांव काफ़ी बड़ा है हमारा, ये सिर्फ छोटा सा एरिया जो यहाँ से मेरे घर से नज़र आ रहा है इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और ये हमारे नानी लोग सब हैं जो बैल चराने के लिए लेके जा रहे हैं। हम लोग कुंदरू तोड़ते हैं नींबू के पेड़ से, क्या करें, और दिखाते हैं काद कुंदरू दिखेगा तो। ये देखो, ये कुंदरू जो कि नींबू के पेड़ से फूला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नींबू के पेड़ में कुंदरू फल रहे हैं। कुंदरू की जो लताएं हैं वो सब तरफ से जो है ना नींबू के पेड़ में जो है ना लग गए हैं, तो जिसकी वजह से कुंदरू जो है वो नींबू के पेड़ में फल रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से काफ़ी सारा तोड़ा और पूरे बागान में जो है कुंदरू हमारे पूरे बागान में फैला हुआ है, सारे तरफ देखो, जहाँ देखो वहाँ। और करेला भी था तो हम लोगों ने करेला भी तोड़ा। और कुंदरू तो मतलब बोलो ही मत, पता नहीं कुंदरू का कुछ और भी नाम होता है क्या, या फिर कुंदरू ही होता है, मुझे उतना अच्छे से पता नहीं और ना ही मैंने जानने की कोशिश की, पता नहीं क्यों। पर अगर आप लोगों को पता है तो नाम आप लोग ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या क्या बोला जाता है। और इसके बाद में डियाना को देखो, डियाना अपने चाचा के कंधे पे बैठी हुई है और ये नीचे उतरना चाहती है। नहीं रहना चाचू के साथ, आ जा, खेलना चाह रही है। और कुंदरू तोड़ने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बाकी है। देखो यहाँ पे भाभी और यह भाई, ये लोग अब फिर से तोड़ने लगे हैं ये इस जगह से, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर में था तो बन नहीं रहा था यहाँ पे तोड़ने के लिए। तो भाभी ने बिल्कुल भाई की मदद ली और भाई ने हेल्प किया कुंदरू तोड़ने में। और डियाना को तो ज़रा देखो, ये देखो ये इधर अपना काम में लगी हुई है। डियाना को खेलना था इसलिए वो नहीं रह रही थी। और फिर हमें जाना था रायपुर के लिए, निकलना था तो उसी की तैयारी चल रही थी। और यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं इमली, जो कि बहुत ही छोटा छोटा था और हम कोशिश कर रहे थे तोड़ने के लिए। आप छलांग लगाओ, आप सकोगे, चलो कहाँ रुको, आप सकोगे। और देखो कितना छोटा सा था, उसे हम तोड़ने के लिए लगे हुए थे पर हमने दो तोड़े, एक ही और एक भाभी ने और एक पकड़ा हुआ है। और अब जाने का वक्त हो गया है हमारा। बाय बाय बोल रही है डियाना, बाय बाय दादू को, बाय काका अच्छे से, बाय दादू। डियाना का बाय भी नहीं खुलता है। अभी बाय करके चलेगा डियाना दादू लोग।
और इस सबको बाय बोलते हुए हम निकल पड़े रायपुर की ओर। और रायपुर का जो डिस्टेंस है हमारे घर से लगभग 400 किलोमीटर का होगा। तो हम लोग निकले थे शाम के 4 बजे, और 4 बजे निकले थे तो हमें पहुंचते पहुंचते भी काफ़ी टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं, हम लोग इतने लेट में निकले हैं तो लेट में पहुँचेंगे। और नज़ारों का आनंद लेते हुए हम चल पड़े घर की ओर, यानी कि रायपुर की ओर। और रास्ते में जो है बारिश होने लगी, उस दिन बहुत तेज बारिश हुई, बहुत मतलब इतना कि क्या ही बताएं कितनी बारिश हुई। और एक बार तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि सामने से कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब इतनी तेज बारिश हो रही थी। ये देखो बारिश तो रुकी नहीं, ऐसी ही बारिश थी रास्ते भर में, काफ़ी तेज बारिश थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे तैसे हम लोग लेट लतीफ होते हुए हम पहुंच गए रायपुर, वो भी रात के 1 बजे हम लोग पहुंचे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू।